देखिए मार्जिन का क्या मतलब है कि एक चीज में चेंजेस की वजह से दूसरी चीज में या दूसरे एलिमेंट में या दूसरे फैक्टर में चेंज आ रही या नहीं आ रही, सही है। और इफिशिएंसी का क्या मतलब है कि कम से कम वक्त में कम से कॉस्ट, कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटकम हो, इफिशिएंसी का ये मतलब है। यानी प्रोडक्टिविटी शुड बी हाई, यानी एक बंदा कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाए, या एक कंपनी कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छी चीजें बनाए और कम से कम खर्चे के ऊपर, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल जिंदगी में होता है और घरों के अंदर भी होता है कि यार ये बंदा एफिशिएंट नहीं है, ये घर का काम सही नहीं कर रहा, ये जो है डिले कर रहा है, सुस्त रवि का शिकार हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है कि इफिशियंसी का के बारे में हम बता रहे हैं कि इफिशियंसी है क्या कर में, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल, कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। अब देखिए इससे इस तरह उन्होंने कहा है कि इट इज एन इकोनॉमिक कैपिटल कॉन्सिस्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड एसेट्स दैट कैन एनहांस वंस पावर टू परफॉर्म इकोनॉमिकली यूजफुल वर्क, सही है। तो ऐसे वसाइल, ऐसी चीजें जो कि लोगों ने ही बनाई हो, या ऐसे असेट्स या इस तरह के असासे जो कि लोगों ने बनाया हो किस चीज के लिए, इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, या कोई चीज हासिल करने के लिए, या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या प्रोडक्शन करने के लिए, या कोई सर्विस ऑफर करने के लिए। आप जिस तरह एक कंप्यूटर है वो कैपिटल उसको बोल सकते हैं आप, अगर एक बंदे ने एक कंपनी ने उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लिया हुआ है तो उसको हम एक कैपिटल बोल सकते हैं। ऐसे ही कोई बिल्डिंग है तो उसको भी हम हमारा एसेट्स या हमारा कैपिटल मान सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है, यानी वही कैपिटल, वही इन्वेस्टमेंट अगर आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें जाके तो वो कितनी प्रोडक्टिविटी देगा। देखिए उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं ना, जिस तरह आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अल्टरनेट जो एडवांटेज होता है किसी भी चीज से, या जिस तरह एक सिंपल सा एग्जांपल दिया जाता है कि एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन एक सर्टेन क्वालिफिकेशन है, लाइक एमबीए, सही है। वो बैंक में जाके कस्टमर सर्विस ऑफिसर लगा हुआ है और उसकी सैलरी है 30,000, ठीक है। और वो अगर नेस्ले जैसी कंपनी में काम करना चाहे या किसी और कंपनी में काम करना चाहे, या ऐसी जगह पे जहाँ पर 30 की जगह उसकी 35,000 सैलरी पॉसिबल हो, यानी उसकी जो पोटेंशियल सैलरी हो वो 35,000, तो वो जो 35,000 है ना वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वर्सेस 30,000 की सैलरी। सर पीछे से शोर बहुत आ रहा है जी, पीछे से सर डिस्टरबेंस बहुत आ रही है आवाज में ना, शोर आ रही है जी सर। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आ रही, अब तो नहीं आ रही मेरे ख्याल में, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सही है। यानी कॉस्ट, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करा है किसी भी कंपनी के अंदर और किसी इकोनॉमी के अंदर, या गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, या जो कंपनी स्पेंडिंग करती है, और तमाम की स्पेंडिंग को हम चेक करते हैं, क्या हम देखते हैं कि वो स्पेंडिंग कितनी इफिशियंट है। एफिशियंट का क्या मतलब है, द वर्क शुड बी परफेक्ट एंड द वर्क शुड बी डन एट लोअर कॉस्ट, the work should be done at minimum time, comparatively minimum time, yani banisbat kam hona chahiye. Misal company A ya economy A, misal ke taur par UK ki economy ke andar ek shirt ban raha hai 500 rupaye ke andar aur 1 ghante ke andar,
और जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है या मशीनरी जो प्रोड्यूस कर रही है या जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसका भी हम तयन कर लेते हैं। तो एक सर्टेन यहाँ वहाँ पर एक सर्टेन फिगर्स के मुताबिक वो चीज़ बन रही है, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर वही कैपिटल वही इन्वेस्टर आता है और वही शर्ट बनाता है, ठीक है। तो उसको हमने देखना होगा कि उसकी इफिशियंसी लेवल क्या है। जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल किस इकोनॉमी के अंदर है, यानी कौन सी इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर सकती है, यानी कौन सी इकोनॉमी कैपिटल को इंक्रीज भी कर सकती है और उसमें वैल्यू एड भी कर सकती है और वेल्थ क्रिएशन में भी उसका रोल होता है और फिर कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर भी वो रोल प्ले कर रही हो। तो ये क्या चीजें मार्जिनल एफिशिएंसी के अंदर आती है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया कंपैरेटिव एनालिसिस ना, कि दो इकोनॉमीज के अंदर सेम कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं या सेम रिसोर्सेज लगाए जाते हैं और उसका आउटकम किस तरह आ रहा है, सही है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी आपको समझ में आ गई कि मार्जिनल एफिशिएंसी बजाते तो वो है क्या, लेकिन उसी ही इकोनॉमी के अंदर जब हम मार्जिनल की बात करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे कि उसी इकोनॉमी के अंदर या एक कंपनी का फर्ज करते हैं कि कंपनी का मिसाल ले लेते हैं, उसमें मशीनरी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है एक शर्ट को ना एक घंटे के अंदर, हम देखेंगे कि वहां पर अगर मशीनरी हम चेंज कर लेते हैं या हम जो है आउटपुट चेंज कर लेते हैं या उसी मशीन को हम डिफरेंट शिफ्ट्स में यूज कर लेते हैं, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इम्पेक्ट आएगा। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे जो इम्पेक्ट आएगा वो इम्पेक्ट आपकी कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल की इफिशियंसी के ऊपर आएगा। मिसाल के तौर पर एक मशीन है और या बिल्डिंग का भी आप मिसाल ले लेते हैं कि वो सिर्फ 8 घंटे यूज होती है, उसको अगर हम 16 घंटे यूज कर लें, उसको अगर हम अपना 24 घंटे यूज कर लें, तो कैपिटल की इफिशियंसी कहाँ जाएगी। देखें, आप लोगों ने फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी होगी। फिक्स कॉस्ट का जो वो है ना अपना एक फीचर है, वो है तो फिक्स लेकिन वो रिड्यूस होती है। टेक्निकली उसको समझने की कोशिश करें। देखें, आपने रेंट जो है, कुछ फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑल रेंट, आपने बिल्डिंग का कितना देना है, 20,000। एक कंपनी चला रहे हैं, एक छोटी सी कपड़े बनाने की या शिफ्ट बनाने की, और 3-4 कमरे हैं और उनकी आप जो है ना रेंट क्या दे रहे हैं, 20,000 दे रहे हैं। तो और 20,000 के देने के साथ आप उसको 8 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं, सही। लेकिन आपने सोचा कि यार मजीद जो है ना मेरे पास 16 घंटे वैसे ही हैं, अवेलेबल हैं, और रेंट तो मुझे उसका नहीं देना पड़ेगा, यानी मेरी फिक्स तो चीजें सेम ही रहेगी, उसकी जो रेंट है उसको मैं क्यों ना 24 घंटे यूज कर लूँ, 3 शिफ्टें लगाऊं ताकि उससे आमदनी ज्यादा हो या उससे आउटपुट ज्यादा हो, ठीक है। तो उसने क्या कर लिया कि 24 घंटे उसको लगा लिया, यानी उसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर दी या उसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, क्या हुआ, इफिशियंसी ऑफ कैपिटल बढ़ी। क्यों के देखिए, रेंट तो उसने ज्यादा नहीं देना ना, वरना क्या होता कि 3 शिफ्टें या 3 अपने काम को या अपनी प्रोडक्शन को 3 टाइम्स अगर वो बढ़ाना चाह रहा है या 2 टाइम्स बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या है कि 40,000 की उसको मजीद रेंट देनी पड़ती। लेकिन उसके पास एक फिक्स अपॉर्चुनिटी या फिक्स एक पड़ी है बिल्डिंग, उसको वो यूज कर रहा है,
तो ये देखा जाता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें या ऐसी कौन सी एलिमेंट है, सा कौन सी मशीन है जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे या ज्यादा यूज करने का पोटेंशियल है, या ज्यादा अगर उसको यूज किया जा सकता है तो उसमें से आउटकम वाकई अच्छा आएगा या बुरा आएगा। देखें, एक मशीन को अगर आप 24 घंटे यूज करेंगे, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें फॉल्ट्स ज्यादा आएंगे, उसकी जो लाइफ है वो कम होगी, हो सकता है उसमें उसके अंदर डिफेक्ट्स आना शुरू हो, वो जो प्रोडक्ट निकाले वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट हो, उसको डेंट लगे हुए हों वगैरह वगैरह। तो ये पोटेंशियल को देखा जाता है कि यार किसी भी इकोनॉमी के अंदर उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं, वो इफिशियंट कितने हैं। सही है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको समझ में आ गया कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता क्या है। अब इसको इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब ये कह रहा है कि एमईसी रिफर्स टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कैपिटल एसेट, इट मे बी डिफाइंड एज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न ओवर द कॉस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्जिनल यूनिट ऑफ कैपिटल एसेट, एंड सेकेंडली इट्स कॉस्ट has to be deducted from its return। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि marginal efficiency क्या है, expected profitability। सही है, यहाँ rate of return या return on investment जो कि आप करते हैं कि additional unit की production की वजह से आप gain कर सकें। यानी इसको हम सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, आसान जबान में क्या कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी या आपके कैपिटल या आपके रिसोर्सेज के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी स्ट्रेंथ है कि उनको हम ज्यादा यूज करें और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। देखें, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको कि रेंट, रेंट क्या है, एक फिक्स एक्सपेंस है जो कि 60,000 की बजाय आपने 20,000 देना होता है अगर आप उसको 3 times यूज करें। जब आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हो, क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग के अंदर या फाइनेंस के अंदर पढ़ रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, उसमें वेरिएबल, फिर फिक्स, ये वो, फिर अपना मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, ये वो देखा जाता है। तो ये सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई होती हैं और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस बहुत कनेक्टेड हैं। अलबत्ता फाइनेंस जो है वो इकोनॉमिक्स की ही फील्ड है, इकोनॉमिक्स से बहुत सारे उलूम निकले हैं। खैर, हम आते हैं उसके ऊपर ना। तो एमईसी का क्या मतलब है, क्या मोटिव है, कि वो बताती है कि आपके रिसोर्सेज, आपके असेट्स, जो कैपिटल असेट्स हैं वो कितने एफिशिएंट है, आपकी मशीनरी, आपकी इक्विपमेंट्स, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी लैंड के अंदर कितना पोटेंशियल है टू प्रोड्यूस और ऐसी प्रोडक्ट निकाले जिसमें मुनाफा ज्यादा हो और खर्चा कम हो। देखें, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का, मार्केटियर का, सेल्स मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का, हर इंसान का एक ही मकसद होता है, to minimize the cost and maximize the profit। सारी कहानी इसी के ही इर्द गिर्द घूम रही होती है। फिर ये बोलते हैं कि हमें efficiency चाहिए, हमें effectiveness चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। असल पेट में जो दर्द होता है वो किस चीज का होता है, खर्चे का होता है, कि वो कम से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया? अब उसके बाद ये है कि अपना फैक्टर्स ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी, चलो हम मान लेते हैं कि एक मशीन को हम 3 shifts में यूज करें और उसी एक बिल्डिंग के अंदर हम 3 shifts स्केड्यूल करें, 3 shifts में लोग आए और प्रोडक्शन धड़धड़ा के हो, भरमार के हो, प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस करते जाएं। लेकिन हमने बाहर की चीजें भी तो देखनी होगी ना, मार्केट का मौसम भी देखना होगा,
कि मार्केट के अंदर गुंजाइश है या नहीं, पोटेंशियल है नहीं, अब देख आते हैं इसके ऊपर ना। अब सबसे पहले आई एलिमेंट जो कि इन्फ्लुएंस करता है या आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी है। देखिए आप जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी तो कर सकते हैं, लेकिन वो किसके लिए करेंगे? कंज्यूमर्स के लिए करेंगे। कंज्यूमर्स के लिए कब करेंगे? जब वो आपकी प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहे हो। कोई बंदा चाहता ही नहीं आपकी प्रोडक्ट को, आपकी प्रोडक्ट की शक्ल नहीं देखना चाह रहा, और आप उसके लिए प्रोडक्शन करते जा रहे हो, मार्केट में बेचते जा रहे हो चीजें। बेशक आपके पास मशीन के अंदर कितनी कैपेसिटी हो, कितना पोटेंशियल हो आपकी बिल्डिंग के अंदर, उसको कितना भी चाहे ज्यादा यूज कर पा रहे हो, कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड डिमांड तो देखो आप कि आगे डिमांड है या नहीं, आगे आपकी औकात है या नहीं, आपकी प्रोडक्ट की हैसियत है नहीं है, गुडविल है या नहीं है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड डिमांड। डिमांड अच्छी है, देखिए डिमांड एनालिसिस किया जाता है, कंपनीज करती हैं, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एलिमेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में और फिर उसके अंदर सेल्स वालों का ये फंक्शन है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि डिमांड एनालिसिस करते हैं, सेल्स वाले और मार्केटिंग वाले। उनका काम ही ये होता है कि वो मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज करें, वहां पर देखें कि डिमांड का क्या सीन चल रहा है, लोगों के रिव्यूज कलेक्ट करें, सर्वेज करें वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहां से क्या पता चलता है कि एक्सपेक्टेड डिमांड इन्फ्लुएंस करता है। आप मार्जिनल एफिशिएंसी बढ़ा तो दें, आपने प्रोडक्शन तो कर दी और कॉस्ट भी कम कर दी, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रही और खराब हो रही है, एक्सपायर हो रही है, इन्वेंट्री आपकी खराब हो रही है, लूज हो रही है। तो पहला एलिमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड डिमांड। सही है। उसके बाद एक कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब कॉस्ट, आप बेशक आपने कॉस्ट कम कर दी, आपने क्या किया, कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर दी, लेकिन क्योंकि आपने बहुत मटेरियल जो है ना मार्केट में फेंक दिया, प्रोडक्ट आपने बना के फेंकी हुई है मार्केट के अंदर, तो जब सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है पता है? कुछ डिमांड कम होने लगती है या प्राइस कम होने लगती है। और जैसे पहले मैंने आपको कहा कि एक्सपेक्टेड डिमांड यानी प्राइस की वजह से आपने आपकी सप्लाई या आपने जितनी भी प्रोडक्शन करी, जितनी भी सप्लाई करी, वो आपकी वेस्ट जाएगी। उसके बाद प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एक इकोनॉमी के अंदर एवरेज सैलरी है 30,000 40,000, और आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन भरमार के की जा रही है, इतनी प्रोडक्शन की जा रही है, इतनी प्रोडक्शन की जा रही है, खाएगा कौन, परचेज कौन करेगा, इस्तेमाल कौन करेगा, बाय कौन करेगा आपकी प्रोडक्ट्स को? आपकी इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल है, आपके कंज्यूमर्स के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये था कि अब एक इकोनॉमी के अंदर अगर किसी बंदे की, हर बंदे की एवरेज सैलरी है 25,000 या 30,000, चलो मान लेते हैं कि 25,000, तो उसमें से वो इस्तेमाल कितना करता है और फिर इन्वेस्ट कितना करता है या सेव कितना करता है। तो ये एक रेशियो था, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। मार्केट के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ही नहीं, सब लोग जो है ना सेविंग के चक्कर में लगे हुए हैं और रोजे रोजे रख रहे हैं, फाके काट रहे हैं, सही है, वो भूख पे मरना पसंद कर रहे हैं लेकिन खर्च करना पसंद नहीं करते। जिस तरह आप लोग होते हो ना स्टूडेंट्स, नहीं यार वो चाय आप पिलाओ, खाना आप खिलाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। होता क्या है, ठीक है, तो होता क्या है कि देखिए प्रोडक्शन की जाए लेकिन किसके लिए? अल्टीमेट क्या है हमारा अल्टीमेट वेरियर कौन आके बन रहा है? कंज्यूमर, कि वो चाह भी रहा है या नहीं चाह रहा, या उसकी जेब में गुंजाइश है या नहीं, या उसने जो अपनी इनकम का स्टैंडर्ड या एक डिवीजन बनाई है
वो हमारी से प्रोडक्शन से मैच करती है या नहीं, तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस देखे जाते हैं, कंज्यूमर ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है कि कंज्यूमर आजकल का कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसको सेव करता जा रहा है, सही है? उसके बाद है चेंजेस इन इनकम, ऑब्वियसली कि इनकम के अंदर चेंजेस कितनी है, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, ठीक है? हमारे पास मैसेजेस भी आए हुए हैं बहुत सारे, तो मैसेजेस में पढ़ लेता हूँ। अच्छा, इनकम अगर ज्यादा होगी किसी, देखें जिस तरह पाकिस्तान जैसे माशरे हैं तो यहाँ पर इनकम इतनी नहीं है, लेकिन अगर वही बात हम कर लें यूके, यूरोप और अमेरिका के अंदर, तो वहां पर क्या है, इनकम लोगों की अच्छी है, तो उन लोगों के अंदर कुव्वत खरीद है कंजप्शन के लिए, वो कंज्यूम कर सकते हैं चीजों को, तो वहां पर अगर प्रोडक्शन की जाए तो लोग परचेज करेंगे और आपकी चीज, आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज बिकेंगी, ठीक है? यानी लोगों के पास पैसा है तो आप उनको सेल कर सकते हैं अपनी चीजें। अच्छा, उसके बाद है अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये बिजनेसमैन के अंदर होता है कि यार मैं प्रोडक्शन तो करूं और मुझे भरोसा होना चाहिए कि मैं अपनी चीजें सेल करके ही रहूंगा, मेरी मार्केटिंग की टीम तगड़ी है, मेरी सेल्स की टीम तगड़ी है, वो कर ही लेंगी, वो डिमांड क्रिएट कर ही लेगी, और मैं इधर एडवर्टाइजमेंट करूंगा, उधर पंफलेट लगाऊंगा, टीवी पे इश्तेहार डालूंगा, न्यूज़पेपर पे इश्तेहार डालूंगा, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा होगी, और इसीलिए मैं अपने जो कैपिटल है उसको एफिशिएंट करता जाऊं। कैपिटल को एफिशिएंट करना मसला नहीं है, सही है? मसला ये है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल डिमांड कितना है, या सिंपल लफ्जों में कहें कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं या जिस कंट्री के अंदर हैं उसके सिटीजन्स या उसके शहरियों के पास पैसा कितना है, माल कितना है, तो ये सारी चीजें एमईसी को इन्फ्लुएंस करती हैं, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, ये चीजें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, यानी मार्केट कंडीशंस। देखें आप मशीनों की तो परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उसी बिल्डिंग को 3 times यूज कर सकते हैं, लेकिन लोगों के जहनों को, लोगों के कंजप्शन पैटर्न्स को, लोगों कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को नहीं कर सकते आप, ठीक है? आप कोशिश कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगर काम कर गई तो कर गई, वरना जो प्रोडक्शन लेवल आपकी चल रही है उसी पे ही चलाने दें, उसी पे ही रहने दें, ठीक है? और उसके बाद हम, ये मेरे ख्याल में डुप्लीकेशन हो गई, अच्छा एक स्लाइड हमारी स्किप हो गई है मेरे ख्याल में, नहीं नहीं स्किप नहीं हुई। उसके बाद लॉन्ग रन फैक्टर्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या मतलब है, कि लोग होंगे, आबादी होंगी, यानी कंज्यूमर्स होंगे तो आपकी एमईसी काम करेगी। ऐसे ही डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरियाज, डेवलपमेंट हो रही या नहीं आपके उसके अंदर, या देखें जिस तरह जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगा दिए, रोड्स के प्रोजेक्ट्स लगाती है, अब जिस तरह नवाज शरीफ ने M9 और मेट्रो वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, या रेलों के जो सिटी रेल्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, तो उससे होता क्या है कि लोगों के पास पैसा आता है, सही है? लोगों के पास जैसे ही पैसा आएगा ना, पैसा कैसे आएगा, देखें कॉन्ट्रेक्टर को पैसा मिला, सही है? वहाँ पर सीमेंट बेचने वाली कंपनी को पैसा मिला, वहाँ पर मजदूर को पैसा मिला, वहाँ पर जो ना जो पत्थर जो कंक्रीट सेल कर रहा है उसको पैसा मिला, डांभर वाले को पैसा मिला, सरिये वाले को पैसा मिला, उनके पास पैसा आ गया,
सही है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, पोटेंशियल डिमांड क्रिएट करती हैं। आप उसके बाल बच्चे होंगे, फैमिली होंगे, और वो चीजें खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, खाना अच्छा खाएंगे, और राशन के अंदर बहुत सारी और चीजें ऐड करेंगे। पहले आटा और नमक आता था, ठीक है, अब मजीद चीजें ऐड करेंगे, अब गुड़ भी लाएंगे, और वो एक गुड़ आता है जिसमें मूंगफली भी डले हुए होते हैं और बादाम भी डले हुए होते हैं, तो फिर उस तरफ लोग बढ़ेंगे। होगा क्या, एमीसी बढ़ेगी, एमीसी को ये चीजें पुल करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, ये प्रोड्यूसर को इनकरेज करेंगी कि आप जो है ना, कंज्यूमर्स के पास पैसा आ रहा है तो प्रोड्यूस करते जाओ और ये बाय करेंगे आपके प्रोडक्ट्स को। सही है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरियाज को समझ में आ गई, यानी न्यू एरियाज, न्यू सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं, अब अपना नई कंपनीज खुल रही हैं, कंपनीज खुलने से भी एक डिमांड क्रिएट होती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि पैसा घूम फिर के कहाँ पर आता है, गवर्नमेंट के पास या कंज्यूमर्स के पास। पहले कंज्यूमर्स के पास आता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम, और उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक मशीन है। अब देखें, आप लोग क्या पढ़ते हो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखते हो एक, और एक एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, फाइनेंस के अंदर, अपना उसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि एक कंपनी मशीन है, उसकी लाइफ है, प्रोजेक्टेड लाइफ है, सर्टेन लाइफ होती है, फिर जो है हम उसको देखते हैं कि अपना उस अपनी लाइफ के अंदर वो कितनी प्रोडक्टिविटी दे सकती है, और उसी को अगर हम किसी नई कंपनी के साथ रिप्लेस करें और उसमें कोई न्यू फीचर हो। मिसाल के तौर पर आजकल क्या हो रहा है कि सिलाई की जो मशीन आ रही है वो डिजिटल आ रही है। पहले क्या होता था, आपने हाथ से वो करना होता था, टांका आपने बैक लगाना है, फ्रंट लगाना है, लेफ्ट लगाना है, राइट लगाना है, सारी चीजें मैनुअल होनी थी, धागा डालने वो भी मैनुअल। लेकिन आज क्या है, डिजिटल, धागा ऑटोमेटिक डल रहा है, और सेंसर लगे हुए हैं उसके अंदर, तो सारी चीजें इधर उधर आगे पीछे मशीन खुद ही हो रही है, या कपड़ों को खुद ही मैनिपुलेट कर रही है, देख उसको टर्न कर रही है। तो पहले जो होती थी मशीन, जो मैनुअल या पुरानी वाली मशीनें होती थी, उसमें टाइम ज्यादा लगता था, एरर्स का ज्यादा होते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है, टाइम कम लग रहा है और काम एफिशिएंटली हो रहा है, यानी ऑटोमेशन की तरफ हो रही है चीजें। यानी जब आपकी इंडस्ट्री में, आपकी इकोनॉमी में ऑटोमेशन हो, ठीक है, तो क्या होता है, उससे एमईसी बढ़ती है, इफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमें, इससे क्या हमने सीखा कि टेक्नोलॉजी की वजह से भी एमईसी इम्प्रूव होती है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री। अब इसको हम अगर थोड़ा पढ़ लें, इफ द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, देन एनी फर्दर इंक्रीज इन द डिमांड विल बी मेड विथ बाय मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू कैपिटल इक्विपमेंट। सही है, इंडस्ट्री को हम ले लें या कंपनी को ले लें, अब उसके अंदर सलाहियती लेट से उसके अंदर सलाहियत है 20 लाख शर्ट्स बनाने की, और वो शर्ट्स जैसे ही बनाती है तो वो इस्तेमाल हो जाती है, और पोटेंशियल डिमांड अभी भी रहता है। तो जरूरी क्या है कि एमईसी को हम यहाँ पर लेके आए, शिफ्ट बढ़ाई जाए या मशीनरी बढ़ाई जाए, ताकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहा है कि आपकी एमईसी को कौन सी चीज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, आपकी कैपिटल की एफिशिएंसी को या प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह
प्रोमोट या इंक्रीज किया जा सकता है। फिर है लेवल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है आपके, देखें आपने एक कंपनी के अंदर ऑलरेडी इंटेंसिव मशीन्स खरीद के रखी हुई हैं, आइए बेशक आगे डिमांड कितनी भी है लेकिन उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आ रही है उस पर मशीन की, तो ऑलरेडी ज़्यादा है। अगर आप उसको मजीद उसके अंदर बेशक उसकी उसको शिफ्टों में आप ज़्यादा यूज़ करें या ज़्यादा उसकी वर्किंग रखें या ज़्यादा एम्प्लॉयज रखें, उसका फ़ायदा कोई नहीं। जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि अगर आपकी मशीनरी ज़्यादा यूज होने की वजह से डिफेक्ट्स क्रिएट करनी पड़े कर ले या उसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल टोटली ख़राब हो जाए तो ये आपकी एम ई सी नहीं होगी, इसमें कोई इफिशेंसी नहीं आएगी प्रोडक्शन बढ़ाने से, उसको दोबारा यूज़ करने से, उसको ज़्यादा यूज़ करने से। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। देखें एम ई सी क्या है कि यानी कैपिटल को आप मल्टीपल टाइम्स या उसकी यूजेज को इंक्रीज करेंगे और उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि वो इफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है या नहीं। एक ही कैपिटल है उसको आप 8 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो उससे कितना मुनाफा हो रहा है, और 16 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं तो उससे कितना मुनाफा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा या नुकसान हो रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं एम ई सी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो कोई कंसर्न हो तो जरूर आप पूछ लीजिए। सर ये प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी का दोबारा समझा दीजिए, वो समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, एक मशीन है और उसके अंदर सलायती अपना 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने की है या 1000 अपना शर्ट्स बनाने की है, उसके अंदर सलायत ही इतनी है तो ये यानी उसको आप नहीं यूज कर सकते मल्टीपल टाइम, उसकी आप दोबारा यूज ही नहीं कर सकते, सही है, उसको आप इफिशियंट कर ही नहीं सकते। देखिए कुछ मशीन ऐसी हैं 24 घंटे के अंदर उनसे अगर 1000 की जगह आप 1100 शर्ट्स आप बनाएंगे तो उनके अंदर डिफेक्ट्स आएंगे, सही है, डिफेक्ट समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर शर्ट आप बना रहे हैं तो या तो वो बटन को सही से फिट नहीं कर रही होगी या तो कोई धागा उसका स्किप हो रहा होगा या उसका कॉलर ठीक नहीं हो रहा होगा, तो ये देखी जाती है कि प्रोटेक्टिव कैपेसिटी कितनी है उस हाँ। दूसरा ये कि आप मिसाल के तौर पर आप ऑलरेडी मशीन्स को या ऑलरेडी अपनी बिल्डिंग को 3 शिफ्टों में यूज कर रहे हो, सही, तो उसमें 4th शिफ्ट में तो आपके पास गुंजाइश ही नहीं है ना, कैपेसिटी नहीं है उसको यूज करने की, सही है। तो क्योंकि ये एम ई सी जो होता है वो एग्जिस्टिंग कैपिटल के बारे में बात करता है, उसके लिए नई कैपिटल की बात नहीं करता, नई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता कि नई मशीनरी लेके आए, नहीं, एग्जिस्टिंग जो आपकी मशीन है एग्जिस्टिंग जो आपकी बिल्डिंग है उनको आप कितना ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना चाहते हैं या लेके सकते हैं ले जा के सकते हैं, ठीक है, इस चीज को देखा जाता है। यानी उसके अंदर जो आपकी मशीनरी आपकी मुलाजिम है आपके एम्प्लॉयज हैं आपके मैनेजर्स हैं उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है कितनी स्किल्स हैं कि उस चीज को लेके जा सकें या उस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें या इंक्रीज करें, ठीक है जी सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अच्छा अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव हो जाएं। अच्छा अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा डिमांड एंड सप्लाई। हाँ आप लोगों ने ना उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा
माइक्रो के अंदर डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, कोई बंदा है जो कि बताना चाहे? देखिए मैं ही बोलता जा रहा हूँ असल, और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि आप बोले नहीं जा रहे हैं, खामोश सिर्फ सुन रहे हैं। तो आप लोगों में से कोई बताए कि डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होती है? सर डिमांड तो वो होती है कि जो किसी भी चीज की जो है ना मार्केट में मांग होती है। सही है। सप्लाई? और सर सप्लाई ये कि जो प्रोड्यूसर है वो कितनी मार्केट में दे रहा है अपनी प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा कोई और बंदा बताना चाहेगा? सप्लाई और डिमांड में फर्क क्या है? खवातीन में से कोई बोलना चाहेंगी? सारे गूंगे पड़ गए क्या? रही है मेरी? जी जी बोले सर। डिमांड का मतलब ये होगा कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड डिमांड, एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू जो है ना कि प्रोड्यूस इज कॉल्ड सप्लाई। ठीक है। इसके अलावा सर कंज्यूमर डिजायर जो परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंग टू पे प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विसेज इज डिमांड। अच्छा ठीक है। सही, थैंक यू। और लड़कियों में से कोई नहीं बताना चाहेंगे? सर सारा तो इन्होंने बता दिया जो होता है। आप अपनी तरफ से कुछ बताएं, कुछ गलती बताएं। सर हमने अभी तक तो यही पढ़ा है डिमांड और सप्लाई का जो इन्होंने बताया। जो नहीं पढ़ा वो बताएं। सर वो तो आप सिखाएंगे ना? नहीं नहीं जो नहीं पढ़ा वो बताएं। आप कोई मिसाल दे दें अपनी जिंदगी में कि किस चीज की डिमांड, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई कम हो गई, फिर सप्लाई का क्या था, उसमें अंदर क्या रोल था या क्या उसका रिएक्शन था प्रोड्यूसर्स का? सर सप्लाई जो है फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू दैट इज अवेलेबल टू कंज्यूमर कि जिसने खरीदनी होती है उसके लिए स्पेसिफिक प्राइस। ये कोई तुम लोग इससे कोई मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके तो नहीं पढ़ रहे? ये तो स्लाइड्स इधर पड़ी है, तुम लोग कैसे पढ़ रहे? नजर आप लोगों की इतनी तेज हो गई क्या? क्या आप लोगों को नजर आ जाता है? जूम आउट कर दो सर। लैपटॉप से कैसे मिनिमाइज करेंगे? सर जूम हो जाता है ना? सर जूम कर लेते। अच्छा 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 सर हमारी आवाज तेज है। खैर आ जाते हैं हम उसके ऊपर ना, अभी हमारे पास एक मिनट बचा है। एक मिनट, चलो इसको हम यहीं पर क्लोज कर लेते हैं और मैं दोबारा आपको लिंक शेयर कर लेता हूँ, ठीक है।